हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप पटेल, CNW कोचिंग डिपो वेरावल। तो आज हम बात करेंगे LHB कोचों में लगे WSP यानी कि व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में, जिसका तात्पर्य यह है कि जब रेल और व्हील के बीच में फ्रिक्शन कम हो किसी वेदर या कोई कंडीशन की वजह से, जैसे कि रेल गीली हो या कुछ भी हो, तब हम DC के प्रेशर को डंप वाल की मदद से एक्सप्लोइट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि व्हील डैमेज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो आज हम जानेंगे WSP और उसके मेन कंपोनेंट्स, जैसे कि फोनिक व्हील है, स्पीड सेंसर है और एंटी स्कीड वाल यानी कि डंप वाल के बारे में। चारों एक्सल पे एक एक स्पीड सेंसर लगा होता है, जो कि अंदर से जुड़ा होता है 80 फीट वाले फोनिक व्हील के साथ। जो फोनिक व्हील अपनी मूवमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसको स्पीड सेंसर रीड करता है और उसका डेटा वो माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। अभी टूथेड जो फोनिक व्हील रहता है उसके बीच और सेंसर के बीच 0.9 से 1.4 mm का गैप रहना चाहिए, जो हम उसको फिलर गेज से चेक कर सकते हैं। एक्सेल की वेलोसिटी के हिसाब से ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चार डंप वाल दिए गए हैं, जो कि ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को एक्यूट करके स्पीड को कंट्रोल करता है। नया फैमिली मैक के WSP को टेस्ट करने के लिए उसमें दो जॉयस्टिक दी गई है, P1, P2, P3 और P4। तो इसमें टेस्ट सिलेक्ट करने के लिए पहले P3 से मेनू खोलना है, P1 और P2 उसको स्क्रॉल करने के लिए और P4 जो है वो उसको सिलेक्ट करने के लिए। अभी डिस्प्ले पे 99 दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई एरर नहीं है। सेंसर, स्पीड सेंसर और डंप वाल जो है हमारे एंटी स्कीड वाल, वो ढंग से काम कर रहे हैं। तो पहले P3 सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें डिस्प्ले में मेनू दिखेगा, उसमें हमें टेस्ट लेना है। ये टेस्ट है, इससे डंप वाल टेस्ट हो गया। P4 से इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी बारी बारी से चारों डंप वाल एक के बाद एक टेस्ट होंगे। ये पहला, चारों डंप वाल हमारे टेस्ट हो चुके हैं। नोर मैक के WSP को चेक करने के लिए पहले हमें सुनिश्चित करना है कि डिस्प्ले पे 99 है, फिर S2 नंबर के बटन को 3 सेकंड का दबा के रखना है, जिससे कि टेस्ट स्टार्ट होगा। देखिए जब टेस्ट स्टार्ट होगा तब डिस्प्ले पे 89 नंबर दिखेगा और एक एक करके डंप वाल टेस्ट होना स्टार्ट होगा।